गणतंत्र दिवस को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन तक सख्त निगरानी की जा रही है। स्टेशन परिसर पर रेल पुलिस का सघन चेकिंग जांच अभियान चल रहा है। वहीं सरहदी क्षेत्रों में एसएसबी की निगहबानी जारी है। इसके अलावा पुलिस की हर एक सार्वजनिक जगहों पर निगरानी है। अगले 24 घंटे के दौरान बॉर्डर एरिया सील रखा जाएगा, जिसको लेकर आम लोगों का आवाजाही में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बीएनपी न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। मतलब 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग का स्टेशन पूरा स्टेशन कॉम्प्लेक्स में ये एंटी सबोरिस चेकिंग चल रहा है, क्योंकि पैसेंजर का लगेज पैसेंजर को फिक्सिंग किया जा रहा है, जबकि कोई इंसिडेंट ना हो, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना आ जाए, इसके लिए पूरा ये चल रहा है। उसके साथ साथ में कोविड प्रोटोकॉल का भी ये चल रहा है, जो आदमी लोग मास्क यूज करे, सैनिटाइजर यूज करे, डिस्टेंस मेंटेन करे। उसके साथ में हमारा लेडी सुरक्षा के लिए भी ये चल रहा है, ड्राइव चल रहा है, जो ट्रेन में कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना आ जाए, कोई अकेला लेडीज के लिए, जिसके लिए मेरी सहेली टीम है। होकर बेकार का ऊपर में कुछ ये चल रहा है, जबकि पैसेंजर का कोई नुकसान ना हो। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ, शुभ नाम? मेरा नाम है बी एम धर, इंस्पेक्टर आरपीएफ किशनगंज।